नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नेहरू हॉल सभागार में आज प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने जनसुनवाई की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भाजपा की अंत्योदय नीति है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, उसका उदय हो, उस पर वह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में चूंकि भाजपा के कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसको वह देखने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बिजली की दिक्कतों पर कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री को समस्या भेजी जाएगी, उस पर विचार विमर्श होगा और निश्चित रूप से इसका हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CM व उनका एकमात्र मकसद गरीबों की सेवा करना है, गरीबों की समस्याओं को सुनना है और उसका समाधान करना है। क्या कुछ कहा संजय निषाद प्रभारी मंत्री आजमगढ़ ने, सुनिए। आजमगढ़ आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, प्रभारी बनाया गया, क्या उद्देश्य रहेगा और क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, जो नीतियाँ बनाई है, योजनाएँ लागू की गई, उसे धरातल पाए। और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि न होने के नाते, दूसरे विरोधी दल के नेताओं के रहने के नाते कितनी समस्याएँ उत्पन्न हुई है, क्यों नहीं मिल रही योजनाओं का लाभ, उसको देखना है। उसके लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इनके साथ जैसे पिछली सरकारों ने जो भेदभाव किया था, उसी तरीके से उनके द्वारा कुछ यहाँ है एरिया में, तो इसे इनकी समस्या सुनना था, उसके इनसे सुझाव लेना था। अधिकारियों से भी किया जाएगा कि धरातल पर कितनी हमारी योजनाओं का उतारा गया है, और उसको अभी समीक्षा के बाद देखा जाएगा। और इसे आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल रूप से यहाँ दो पिछली अधिकारियों कर्मचारियों ने जो मिस हैपनिंग की है, उनके भी देखा जाएगा, और जो कुछ सुविधाओं में कमी होगी उसे व्यवस्थित की जाएगी और जनता को सुख का राज दिया जाएगा। सरकार जो अधिकारी हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, और जांच का विषय है, जांच देखा जाएगा और जांच में जो आएगा उसे कार्यक्रम भविष्य में आयोजन होने की ये लगाए गए। हम लोग जीवन भर सेवा के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी दी है उसे निभाएंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। आज के दिन में हम लोगों का विषय यहाँ का है कि गरीबों का बात सुनना है, गरीबों की सेवा करना है, और गरीबों के हित में जो योजनाएं बनी है वो कितना हद तक लागू हुई है, उसके लिए हम लोग काम। सर, बिजली की समस्या जो आ रही है उसका निवारण कब तक होने की संभावना है? निश्चित रूप से आप सूचनाएं आई हैं, माननीय मंत्री जी को है, उनके यहाँ खुद के राज्य मंत्री हैं, खुद उस मंत्रालय में जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा, उस समस्याओं का समाधान होगा। सर, दिल्ली न्यूज से सवाल किया गया, थोड़ा सा उसका उत्तर दीजिए। मैं गरीबों का सवाल करिए, गरीबों के तरफ ध्यान दीजिए और गरीबों के तरफ काम करिए, बस। मुख्यमंत्री का एक स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया है, तो क्या आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ के नीतियों का किस तरीके से मोहर लगाया, किस तरीके दोबारा समर्थन दिया, किस तरीके से उसको माननीय योगी जी के सुशासन को दिया, और रोजगार बेरोजगारी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, भारतीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मामला, उस पर चिंता कर रहे हैं। जब मेरा नेता चिंता कर रहा हो तो हम लोगों को निश्चित रूप से वेट एंड वॉच। रोजगार के लिए आज में कोई व्यवस्था नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में रोजगार के साधन के लिए हमें मंत्रालय मिला, मत्स्य मंत्रालय से देखो रोजगार भी मिलेगा, उससे जो है प्रोटीन खाद्यान्न